कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। सेना दिवस के मौके पर कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ हिमाचल ने याद किए वे तमाम शूरवीर जिन्होंने देश पर मर मिटकर हमें दिलाई आजाद सांसें। प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों के परिवारों पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। सुजानपुर में भूतपूर्व सैनिक लीग और सर्व कल्याणकारी संस्था के सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक राजेंद्र राणा ने मौके पर विधायक द्वारा वर्ष 1971, 1961, 1962 में जिन वीर सैनिकों ने लड़ाइयां लड़ी हैं या सेना में कार्यरत रहे हैं ऐसे करीब 1500 परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुजानपुर की श्रेया ठाकुर जो हाल ही में एक सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतकर लौटी हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। वहीं मंडी के पूर्व सैनिकों ने सेना दिवस बड़े उत्साह से मनाया। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया गया। एक्स सर्विस लीग मंडी के महासचिव रिटायर्ड कैप्टन हेतराम शर्मा ने कहा कि मैं रिटायर्ड कैप्टन हेतराम शर्मा एक्स सर्विसमैन लीग जिला मंडी का महासचिव हूं। आज 15 जनवरी को हम लोग मंडी में शहीद स्मारक में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हमने सेना दिवस के बारे में इसके बारे में जो है प्रकाश डाला और जो अभी तक हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं और उन शहीदों को हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का हमने मौन धारण किया। आज ही के दिन 15 जनवरी सन 1949 को भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जिन्होंने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो उसमें के कमांडर इन चीफ थे सर फ्रांसिस बोचर से कार्यभद संभाला था। के.एम. करियप्पा जिनको बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। आज ही के दिन सेना के जितने भी हमारे सैनिक होते हैं उनको बहादुरी के लिए सेना मेडलों से जो है वो नवाजा जाता है। तो आज ही के दिन ये सेना दिवस का बहुत बड़ा महत्व है। अभी तक हमारे हिमाचल में 4 महावीर चक्कर, 847 अन्य मेडल जिसमें वीर चक्कर, कीर्ति चक्कर, महावीर चक्कर और अन्य शौर्य मॉडल जितने भी हैं ये सब उसमें शामिल हैं। हमें अपने सैनिकों के ऊपर और पूर्व सैनिकों के ऊपर बहुत गर्व है और हिमाचल के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। थैंक यू। इसके अलावा बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने सेना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के उन वीर सपूतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बिलासपुर आप सबको मालूम ही है वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है और आज जो रोल ऑफ ऑनर यहाँ डिस्प्ले किया गया है उसके अनुसार 146 हमारे बिलासपुर ज़िला से थल सेना में जो हमारे विभिन्न रैंक्स में और ऑफिसर रैंक में जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने अपने जो है प्राणों की बलि जो है देश की सुरक्षा में जो है न्योछावर की थी, आज उन्हें भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और यह जो दिवस है जैसे मुझे बताया गया कि भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था परंतु 15 जनवरी आज के दिन वर्ष 1949 में जो हमारा जो आर्मी जो हमारी थल सेना है उसके जो जो प्रमुख जो है भारतीय जनरल करियप्पा वो अपॉइंट किए गए थे और उस दिवस को कमेमोरेट करने के लिए जो है पूरे भारत में थल सेना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मैं सभी हमारे जो आर्मी के जितने जवान हैं अधिकारी हैं उनके परिवारों को जितने हमारे वीरांगनाएं हैं यहाँ की और जितने हमारे शहीद हैं उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत सुंदर ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी इसे भी एक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करके फुल्ली जो है लोकार्पित कर दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन, मंडी से बिप्लव सकलानी और बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।